फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स। मैं आज आपको इस पिक्चर से डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा। ये कुशन जो सोफे में रखते हैं उस तरह का एक कुशन है। तो कुशन इस पिक्चर से हम कुशन बनाएंगे। तो हमने पहले इस तरह का एक कुशन का एक साइज़ ले लिया। तो कुशन का साइज़ लेने के लिए आपको जो कुशन जिस किशन में आप प्रिंट करेंगे उस कुशन को आप स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद तो उस कुशन का साइज़ आपको मिल जाएगा। उसका रेजोल्यूशन 300 होगा। तो जिस पिक्चर को हम कुशन बनाएंगे उस पिक्चर को यहाँ पर लेकर आएंगे। उसके बाद इस पिक्चर को आप कंट्रोल टी, आपका जो कीबोर्ड में जो कंट्रोल टी है उसको आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉर्नर में इस तरह के पकड़ कर इस तरह बड़ा कर देंगे तो इसको साइज में आ जाएगा जितना साइज आपको चाहिए। इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। ऊपर इसको पिक्चर को ला कर रखा है। तो देखिए ऊपर में कुछ खाली है, इसको हम लोन स्टैम्प टूल लिए इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कीबोर्ड का जो ऑल्ट है उसको इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक जगह पर वाइट देख रहे हैं इस तरह से आप कर लीजिए। तो ये आपका जो ब्लैंक साइज है वो ये इस तरह से गलत हो जाएगा। थोड़ा सा इस तरह से भरा देना। ये वाइट है तो हम इसको वाइट से ही सिलेक्ट करेंगे। वाइट सिलेक्ट करने वाले इस तरह का वाइट यहाँ पर कर देंगे। जिस जगह पर जिस तरह का डिजाइन है उसी डिजाइन को सिलेक्ट करके उसके बाद एक बार ऑल करके सिलेक्ट करेंगे। दूसरे बार आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो जिस जगह पर आप सिलेक्ट करेंगे उस जगह का सिलेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो डिज़ाइन जो इस जगह ब्लैंक है वो ब्लैंक जगह फिलअप हो जाएगा। ये अगर हाथ है तो हाथ के लिए हाथ को ऊपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस तरह से भरा देना। अब इस तरह से सिलेक्ट करके आपका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन का पूरा शेप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आपका डिज़ाइन पिक्चर का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो ये जो पिक्चर है ये 100% का है। तो हमने क्या किया कि इसको एक कोटेशन दे दिया, छोटा सा है, प्योर 100%। हमने पार्टी ने हमको बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सिंपल में रख दीजिए। तो हमने ये हैप्पी 100% सुधा सिरा लिख लिया। तरह के एक बैलून दे दिया, एक छोटा सा कार्टून इस तरह का चीज़ दे दिया। कुछ जो जिस तरह से आपको जो अच्छा लगे वो उस तरह से डिजाइन करना। और एक छोटा सा मिकी माउस
तरह से आप एक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कुशन का डिज़ाइन रेडी हो गया, तो हम इसको आप प्रिंट करेंगे। तो आप इसको पहले एक सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए फाइल सेव एस, तो ये आप जेपीजी कर लेंगे। आप जेपीजी करने के बाद ये आप जहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप रख दीजिएगा, उसका एक नाम देकर सेव कर दीजिएगा, तो सेव हो जाएगी एक सेव देने से, इस तरह सेव हो जाएगा। ये कुशन का डिज़ाइन रेडी हो गया। ये सिंपल कुशन का एक डिज़ाइन है। तो आपको पार्टी जिस तरह का डिज़ाइन बोलेंगे उसी तरह का डिज़ाइन करेंगे। हम इस पिक्चर को प्रिंट करेंगे, उसके लिए आपको एक न्यू पेज लेना पड़ेगा, फाइल न्यू, या फिर आप एपोस्टास का पेज ले लेना। रेजोल्यूशन 300। इस पिक्चर को इस तरह से आप सिलेक्ट करके, ये जेपीजी फाइल है तो इस तरह से नहीं जाएगा, आपको एक लॉक है, तो यहाँ पर क्लिक करने से, डबल क्लिक करने से ये लॉक खुल जाएगा। उसके बाद इस तरह से आप लेकर आना, तो इसको इस पिक्चर को आपको मिरर में प्रिंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कंट्रोल की से सिलेक्ट करना पड़ेगा पिक्चर को, उसके बाद फाइल ट्रांसफर लिफ्ट हॉरिजॉन्टल ये सिलेक्ट हो गया। तो उसके बाद आपको इस पिक्चर को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, आप दोबारा ट्रांसफर देके 90 डिग्री इस तरह से कर लेना, ये घूम जाएगा, ये तो पूरा पेज में प्रिंट नहीं आएगा। तो ये वाला जो रेड साइड है हमारा, इसको हमको इस साइड का ज़रूरत नहीं है, तो आप इस तरह से ये काट कर फेंक देना, नहीं तो आपका जो एक्स्ट्रा इंक निकल जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप काट कर फेंक देना। तो इसके लिए ऐसे काट देना। ये वाला जो टूल है लस्टर, ये पॉलीगन लस्टर टूल, इस टूल से आप कर सकते हैं इस तरह से, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरह से आप कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप रख भी सकते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एडिंग निकल जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम कर रहे हैं। तरह से हमने काट लिया। अभी जो ये जो आपको साइज जो प्रिंट निकल जाएगा, उसके बाद जो हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये डायरेक्ट सीधा हो जाएगा, मिरर में है तो सीधा प्रिंट निकल जाएगा। तो अभी हम प्रिंट करते हैं। कंट्रोल पी, कीबोर्ड का जो कंट्रोल पी है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप फाइल से भी प्रिंट कर सकते हैं, फाइल के बाद प्रिंट ऑप्शन आएगा। तो उसके बाद आपको ये पेज सेटअप ये ए4 साइज करना पड़ेगा। ओके, प्रिंट प्रोसीड। यहाँ पर आपका प्रिंटर का नाम आएगा, आपका जो प्रिंटर है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ये हमारा प्रिंटर है ऑप्शन 805। उसके बाद प्रॉपर्टीज दोबारा आएंगे आप, ये प्लेन पेपर है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा ऑप्शन मेट। क्वालिटी स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं और हाई भी रख सकते हैं। उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके, तो अभी ये प्रिंट के लिए तैयार है, ये हमारा प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है, ये सप्लीमेशन पेपर में प्रिंट होगा मिरर में। उसके बाद हम इसको सप्लीमेशन प्रिंटर मशीन से जो कुशन है कुशन में प्रिंट करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। का 805 प्रिंटर मशीन से ये प्रिंट निकला है। उसके बाद हम इसको सप्लीमेशन का जो हीट मशीन है इसको उस प्रिंटर मशीन में हम इसको बनाएंगे कुशन में। तो ये हम आपको दूसरे पार्ट में दिखाएंगे, ये हमारा प्यारा डिज़ाइन का पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो हम दूसरे पार्ट में आपको इसी क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे, आप देखिए।